हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस लॉकडाउन के पीरियड में यू आर गेटिंग बोर्ड, सो डू आई। सो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया। तो इस वीडियो का टॉपिक है, आप ऐसे फोटोज कैसे खींच सकते हो। तो ऐसे फोटोग्राफी को कहते हैं लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी, एके लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी। तो ऐसे फोटोज खींचने के लिए हमें चाहिए DSLR और एक स्मार्टफोन कैमरा जिसमें प्रो मोड हो, प्रो, क्योंकि कुछ कुछ मोबाइल्स में प्रो मोड ही अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द बजट फोन्स हैव इट। सो तो ये फोटो का बेसिक जानते हैं। ये फोटो हम खींचे जाता है एकदम अंधेरे में, एकदम डार्क अंधेरे में। आप ये रात को भी खींच सकते हो और स्टूडियो में, वहाँ इतना अंधेरा होना चाहिए, लाइट सोर्स नहीं होना चाहिए, आप हंसे तो बस आपके दांत चमकने चाहिए। तो बढ़ते हैं कैमरा की सेटिंग्स की तरफ। तो कैमरा की सेटिंग्स में आपको कुछ नहीं, बस तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला है ISO, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल लाइट। तो आर्टिफिशियल लाइट को हमें रखना है एकदम लो, बॉटम होगा 100। तो ISO को हमें रखना है 100। सेकंड है एपरेचर। एपरेचर डेप्थ मेजर करने के लिए होता है, बेसिकली ब्लर। आपको अपने मोबाइल का एपरेचर एकदम लो रखने का है। थर्ड है शटर स्पीड। शटर स्पीड मेजर पार्ट है। तो शटर स्पीड होता क्या है, शटर का टाइमिंग, कितने टाइम में वो बंद होना चाहिए। तो हमें बेसिकली 5 to 10 या 15 सेकेंड्स में रखना है, जैसे आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है। अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव फोटो खींचना चाहेंगे तो आपको लगेगा 10 सेकेंड 15 सेकेंड 30 सेकेंड, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलो अपना ट्राइपॉड उठाओ और चलो। क्या आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, तो टेबल लो यार, बक्सा लो, तकिया लो, जुगाड़ लगाओ। इंडियंस हो यार, ऐसा कैसे करते हो। सो आपको ये फोटो खींचने के लिए ट्राइपॉड मस्ट है, या एक टेबल पे जिस पे आप मोबाइल स्टेबल रख सकते हो। क्योंकि अगर आपने आपके दोस्त के हाथ में या किधर भी मोबाइल रखा, जिधर वो 15 सेकंड के अंदर हिला या 10 सेकंड के अंदर, जितना भी टाइमिंग आपने रखा है, तो फोटो खराब आ जाएगा। फोटो में डिस्टॉर्शन या ब्लर आ जाएगा, जैसे कि आप ये फोटोज में देख सकते हो। तो मेरे पास ट्राइपॉड है और फोन को मैंने कर लिया है सेटअप। तो फ़ोन के सेटिंग्स, प्रो मोड में जाके जो सेटिंग्स मैंने बताए वो एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास है गरीब फ़ोन जो एक्चुअली चालू भी नहीं है। तो ये फोटो, ये वीडियो के एग्जांपल के लिए ये डॉल रखी है हमने, जो आपका मॉडल होगा उसको भी स्टिल रहना है, 5 सेकेंड यहाँ हो या 10 सेकेंड, उसको हिलना नहीं है। ये बेसिक थिंग है, ये याद रखना है। बहुत जन गलत कर देते हैं, फिर फोटो खराब आ जाती है। तो हमने इधर कैप्चर का बटन दबाया, तो 15 सेकेंड्स में ये फोटो कैप्चर होने वाला है। तो हमें जाना है अपने मॉडल के फेस के ऊपर, एक बार फ्लैश चमकाना है दूर से। तो फ्लैश की वजह से क्या होगा, उसका फेस ल्यूमिनेंस हो जाएगा। और फिर ऐसे पीछे जाके अपना हाथ डालिए, वैसे मोबाइल से या कोई भी लाइटिंग वगैरह से ऐसे घुमाइए, एक रिंग इफेक्ट आएगा और अब चले जाइए। 15 सेकेंड्स के बाद ये शटर का आवाज आएगा, पिक्चर क्लिक हो जाएगा, मॉडल तब हिल सकता है और तब आप फोटो में देख सकते हो एक ऐसा इफेक्ट आ सकता है। सो आपको अभी समझ ही गया होगा फोटोज कैसे खींचते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सारे डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। हमने एक्चुअली उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था, पर वहाँ बहुत रात थी और अंधेरा था, इसलिए हम उसको कुछ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है। पर होप सो आपको ये समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तो स्मैश दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब करो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है जल्दी फोटो खींचने के लिए और फोटोग्राफी के न्यू आइडिया। बाय बाय।